गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड के ग्राम कांडे केला के सैकड़ों ग्रामीण आज पंचायत सरपंच एवं पूर्व सचिव के खिलाफ कार्यवाही को लेकर नेशनल हाईवे 130 जाम कर दिया था, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिससे वाहनों में सवार यात्रीगण जिसमें महिला एवं बच्चे भी शामिल है, इन्हें खाने पीने के साथ ही दैनिक क्रिया को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंदोलन के बीच में भाजपा नेता भी प्रवेश कर गए, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रमुख रूप से आंदोलनकारियों के बीच सड़कों पर बैठे नजर आ रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी देवभोग श्री साहू ने ग्रामीणों को इस आश्वासन के साथ चक्का जाम समाप्त करवाया। कांडे केला के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते सचिव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार धारा 40 की कार्यवाही जारी है, वहीं ग्राम सेवक के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा रही है। आगामी दिनों निश्चित रूप से इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ग्रामीणों ने इस आश्वासन के बाद चक्का जाम को स्थगित कर दिया है। हमारा प्रमुख मांग यह है सर कि हम ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुई है, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए हम सरपंच सचिव सहायक सचिव को हम बर्खास्त करके हमारा प्रमुख मांग है, और इसीलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय को भी कई बार ये के आवेदन दे चुके हैं, जनपद सीओ को भी दे चुके हैं, जिला पंचायत सीओ को भी दे चुके हैं, तहसीलदार महोदय को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज पर्यंत किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और जनपद पंचायत द्वारा जांच दल की टीम जा करके जांच की है, और वहां पे पूरे आम पब्लिक के पास, कांडे केला ग्राम पंचायत की आम पब्लिक के पास दूध और पानी की पानी हो चुकी है, और पूरी भ्रष्ट की जो है वो प्रकाशित हो चुकी है, और ऑफिसर उसको देख चुके हैं, लेकिन किस बात की लेट है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। क्या मांग पूरा नहीं होने पर क्या करेंगे? अभी यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं और आने वाले हैं, यहाँ पर मांग पूरा नहीं होता तो आगे और क्या करेंगे? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सर हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा जो भ्रष्टाचारी हो रहा है, जो बिना प्रस्ताव के सर राशि आहरण कर रहे हैं, उसी के खिलाफ हम ये कर रहे हैं। कितना राशि आहरण करवा दिया गया है? कम से 40 लाख तक के है सर आहरण। आगे आप लोग की क्या मांग रहे हैं? आगे हमारी यही मांग है सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे कांडे किलाए को बस न्याय चाहिए। चूंकि प्रारंभिक तौर पर जांच में अनियमितता पाई गई है, सचिव को सस्पेंड किया जा चुका है, और चूंकि सरपंच के विरुद्ध भी जांच में अनियमितता पाई गई है, तो उसके विरुद्ध जो पंचायत की धारा 40 है उसके विरुद्ध सस्पेंड दर्ज किया जाएगा। साथ ही रोजगार सहायक के ऊपर भी कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सदस्य आपके पास फाइल कर सकते हैं। ये जो आज चक्का जाम किया गया, इसमें कोई कार्रवाई तो नहीं होगी? देखिए, चक्का जाम में चूँकि हालांकि पब्लिक को असुविधा तो हुई है।